मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बच्चों की पसंद का एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बच्चे इसे बहुत पसंद से खाते हैं, तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक सेब लिया है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। सेब को चूट करते समय आपको ये ध्यान देना है कि सेब मीठा हो। बहुत सारे सेब ऐसे होते हैं जो खट्टा भी होते हैं, तो आपको मीठा सेब का ही चूज करना है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। सेब को ग्राइंड करते समय इसमें हम 2 टेबल स्पून चीनी भी मिला देंगे, इसलिए मैं ये मीठा रेसिपी बना रही हूँ। क्योंकि ये बच्चों के लिए रेसिपी बना रही हूँ, तो इसमें बादाम का भी यूज़ करूँगी। तो बादाम को आपको पहले से भून करके और इसका छिलका उतार करके इसे कूट लेना है। तो कूटते समय इसका ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा बारीक ना हो। अब एप्पल के पल्प को एक बाउल में डाल करके उसी जार में 4 ब्रेड को ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसमें 4 ब्रेड मिलाया है, तो 4 ब्रेड को उसी जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए, ब्रेड भी ग्राइंड हो चुका है, तो उसी एप्पल के पल्प में इसे भी मिला देते हैं। इसे मिलाते समय अगर ये थोड़ा कड़ा हो जाए तो इसमें हम दूध का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसमें मिलाते जाएँ। इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इसे एकदम गाढ़ा ही रखना है। उतना ही दूध का यूज़ करना है जितना में ये गाढ़ा ही रहे। इसमें मैं लगभग 1/4 कप दूध मिलाई हूँ। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसे मिला लेना है। इसे पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रहना चाहिए, एकदम गाढ़ा ही रहना चाहिए। अब बादाम को मैं कूट करके दिखाती हूँ ये कितना रफली रहना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, इतना ही रफली बादाम को कूटे। कूट करके इसमें मैं 2 टेबल स्पून मिला रही हूँ, तो 2 टेबल स्पून इसमें मिला दें और 2 टेबल स्पून किशमिश भी डालें। तो ये सभी को डाल करके बढ़िया से मिला लेना है। मिला करके इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका थिकनेस देख रहे हैं ना, इसी तरह का थिकनेस रखिएगा और बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर दें। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे बढ़िया से सेट कर दे, बराबर कर दे। इसे बराबर करके ऊपर से डेयरी मिल्क चॉकलेट को क्रश करके डाल दें। तो आप 1, 2 या जितना चाहे ले सकते हैं, तो मैं 1 ही का यूज़ कर रही हूँ। तो इस पर से डेयरी मिल्क क्रश करके डाल देते हैं, इसलिए कि बच्चों का पसंद का ही चीज़ होता है। इसके ऊपर से जो बादाम है, उस बादाम को भी ऊपर से छिड़क देंगे। लगभग 1 टेबल स्पून मैंने इस पर से मूँगफली को डाला है। तो चलिए, अब इसे 3-4 घंटा के लिए फ्रिज में डाल देते हैं। जब ये सेट हो जाता है तो मैं इसे दिखाऊंगी। तो लगभग 3-4 घंटा हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छा बन करके ये रेडी हुआ है। तो दोस्तों, ये बच्चों का पसंद का ही चीज़ है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और बच्चों को ज़रूर खिलाएं। और यकीन मानें, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो आप ज़रूर बनाएं, और बनाया था कैसा बना ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।